ये बात है 1911 की, लंदन में वैज्ञानिकों के बीच में भारतीय मूल के वैज्ञानिक ये सिद्ध करना चाहते थे कि धातु में प्राण होते हैं। इसके लिए उन्होंने धातु ली, धातु पे तार लपेटा, तार के लास्ट में एक निब लगाकर उसे ग्राफ पेपर पर लटका दिया। प्लानिंग ये थी कि धातु के ऊपर वे एसिड डालेंगे और जिससे धातु थर थर कांपेगी, वो ग्राफ पे दिखेगा, इससे प्रूफ हो जाएगा कि धातु में प्राण होते हैं। इसके लिए उन्हें एसिड दिया गया, लेकिन जब उन्होंने एसिड उस धातु के ऊपर डाला तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे कि अन्य सभी वैज्ञानिक हंसने पड़े। उन्हें इस बात की शंका हुई कि किसी ने इस धातु को चेंज, इस एसिड को चेंज कर दिया है। उन्होंने तुरंत उस एसिड की बोतल को उठाया और ढकढक करके पी गए। बाद में वहां का प्यून उनके पास आता और माफी मांगता है और उन्हें नई एसिड की ओरिजिनल बोतल दी जाती है। और जब नई बोतल को वे उस धातु के ऊपर डालते हैं तो धातु से लपटी तार जो होती है वो थर थर कांपती है, वो ग्राफ पे वो उसका जो परिवर्तन होता है दिखता है। इससे इस बात प्रूव हो जाती है कि धातु में प्राण होती है। यस, ये बात बताने वाले हमारे इंडियन प्राउड इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस थे। उनके लिए एक लाइक तो बनता है। यस।